अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं हूं अनिल राजवर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। डोंबिवली में फेरी वालों के एक समूह ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। रामनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दो फेरी वालों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल ये पूरा मामला डोंबिवली के उरशेखरवाड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर गणेश माली 30 वर्षीय जो भोपर निवासी बताया जा रहा है, जो डोंबिवली पूर्व उरशेखरवाड़ी स्थित एक अस्पताल में मरीज को लेने आया था। अस्पताल के सामने एम्बुलेंस खड़ी करने की जगह न होने पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने सामान हटाने को कहा, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर और फेरी वालों में तू तू मैं मैं हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि फेरी वालों ने एम्बुलेंस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर फेरी वाले मुमरा, मस्जिद बंदर, भाईखला इलाके के बताए जा रहे हैं। पिटाई के बाद फेरी वाले भाग गए। इस पूरे मामले को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। एम्बुलेंस काढत होते तर तिथे जागा नव्हती तेवढी कम्फर्टेबल। कट्टूकट एम्बुलन्स काढताना फुटपाथवाली गटारावरती एक कडपा होता, झाकण दिलेला, तर मी गाडी रिव्हर्सला घेताना मिनिमम थोडा असं किंचित टायर त्याच्यावर कडप्याला धक्का लागला, तो सरकून आणि वरती घेऊन त्याच जागी परत जसा जसा होता। तर पाठी असलेले काही फेरीवाले येऊन त्यांनी मला शिवीगाल केली, शिवीगाल केली आणि त्याच्यासोबत अजून एक फेरीवाला आणि त्यांनी धक्काबुक्की करून मग आतमध्ये नेऊन मला मारहाण केली। हां, आता मी पोलीस स्टेशनला तक्रार वगैरे आणि मेडिकल हे करून आलो आहे, तर आता माझी तक्रार नोंद करून घेत आहे। किती जणांचा दावा? सध्या तर जेव्हा बाचाबाची झाली तेव्हा दोघे जण होते, तर आतमध्ये नेऊन मग खूप फेरीवाले जमले सर्व।